सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक यूनिक और हेल्दी सैलेड जिसका नाम है कचुम्बर सैलेड। मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि आप रेस्टोरेंट जैसा कचुम्बर सैलेड आप अपने घर पर इजीली कैसे बना सकते हैं। मैंने सबसे पहले लिया है कैबेज, जिसको मैंने एक टुकड़ा लिया है जिसका। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये देखिए, मैं इसको जूलियन कटिंग में काट रहा हूँ, ऐसे लच्छा कटिंग में आपने इसको काट लेना है। बिल्कुल फाइन जूलियन आपने इसका निकालना है, इसी तरीके से जैसे मैं कट कर रहा हूँ। और उसके बाद आपने इसको बाउल में उठा लेना है, मिक्सिंग बाउल में उठा लेना है। अब हम काटेंगे कैरेट गाजर। इसको ऐसे मैंने इसलिए काटा ताकि बैलेंस हो जाएगा आसानी से, इधर उधर हिलेगा नहीं। अब इसके स्लाइसेस निकालने हैं ऐसे। उसके बाद इसको भी सेम इसके भी जूलियन कटिंग में काट देना है। इसको भी देखिए, इसे लंबा 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 काट देना है पूरा जितना है। इसको भी सेम उसी मिक्सिंग बाउल में डाल देना है। अब हम काटेंगे कुकुम्बर। कुकुम्बर के भी हम स्लाइसेस निकाल रहे हैं ताकि हमें जूलियन करने में आसानी होगी। सेम कटिंग करनी है, कोई डाइस कोई जूलियन नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट होटल्स में जूलियन में जाता है कुकुम्बर सैलेड, तो कहीं डाइस में भी जाता है। हम अभी बना रहे हैं जूलियन में। ये देखिए, ये मुझे कटिंग पसंद है। इसको भी सेम उसी मिक्सिंग बाउल में ऐड कर लिया। अब हम काटेंगे अनियन। अनियन के भी लच्छे निकाल लेने हैं, इसको भी जूलियन निकाल लेना है। लेकिन ध्यान रहे, फाइन करना है, एकदम मोटे मोटे नहीं काटने हैं। ये देखिए, इसको उसके बाद तोड़ लेना अच्छे से। फाइन करके एक फ़ायदा होगा कि ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब हम काटेंगे टमाटर। लेकिन टमाटर हमें सीडलेस करके डालना है इसमें, सीड से सरफ ख़राब हो जाएगा हमारा पूरा। ये मिक्स करते उसमें सीड्स निकल जाएंगे। तो जब पूरा हमारा टमाटर कट चुका है तो हम इसको भी उस मिक्सिंग बाउल में ऐड कर लेंगे। अब हम काटेंगे कैप्सिकम, जो ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें इसके लिए काटेंगे ग्रीन चिल्ली। मुझे थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है इसलिए मैं ग्रीन चिल्ली ऐड कर रहा हूँ। आप इसमें अपने टेस्ट और क्वांटिटी के हिसाब से ग्रीन चिल्ली ऐड कर सकते हैं। और अब बारी आती है लेमन की। लेमन जूस इसमें बहुत ज़रूरी है खट्टा टेस्ट डाल का। इसमें मैंने एक लेमन स्क्वीज किया हुआ है, एक लेमन का लाइम जूस मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। आप अपने टेस्ट और क्वांटिटी के हिसाब से इसमें ऐड करना है आपने अपने हिसाब से। देखिए, लेमन जूस मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब इसको हम थोड़ा सा नमकीन करेंगे, और नमकीन करने के लिए ऐड करेंगे इसमें नमक, यह सॉल्ट, और थोड़ा सा इसका टेस्ट एनहेंस करने के लिए हमने इसमें ऐड किया चाट मसाला। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इसको मिक्स करना है। और ये हमारा मिक्स होने के बाद जो है एकदम रेडी हो चुका है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल हमने कुछ कुकुम्बर सैलेड बनाया हुआ है। अब हम इसको करेंगे सर्व। ये देखिए, इसका कलर देखिए फ्रेंड्स, कलर इतना अट्रैक्टिव है, कलरफुल है बिल्कुल सैलेड। और अगर इसको आप खाएंगे तो इससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में टेस्टी होता है और एकदम हेल्दी है। और आप इसको रेस्टोरेंट स्टाइल है बेशक, लेकिन आप इसको घर पर इजीली बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं है, नॉर्मली इतने ज़्यादा मिल जाते हैं। मैंने डाला एक लाइम वेजेस और एक है चॉप कोरिएंडर धनिया। फ्रेंड्स, ये था कुकुम्बर सैलेड जो इंडिया का ट्रेस्टर सैलेड है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।